उज्जैन जिला प्रशासन की कल सुबह बड़ी कार्यवाही हुई है। अवैध माइनिंग की शिकायत पर प्रशासनिक अधिकारियों के अमले ने नसरुल्लागंज से उज्जैन आ रहे 3 डंपर को पकड़ा, जिसे ओवरलोड कर उज्जैन लाया जा रहा था। एक डंपर तो बिना रॉयल्टी के पकड़ा गया। तीनों डंपर को जब्त कर खनिज विभाग को आगे की कार्यवाही के लिए कहा गया है। उज्जैन में बीते कई दिन से अवैध परिवहन कर बालू रेती उज्जैन तक सप्लाई करने की खबर मिल रही थी। खास बात यह है कि बालू रेती से भरे डंपर नसरुल्लागंज से मंगवाए जा रहे थे। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर SDM राकेश शर्मा के नेतृत्व में तहसीलदार मधुनायक, प्रियंका मिमरोट, अनिल मोरे, लोकेश चौहान, राजस्व निरीक्षक आदर्श कुमार सहित 20 पटवारी एवं 6 कोटवारों तथा 15 होमगार्ड के जवानों ने अल सुबह 4 बजे अवैध बालू रेत के परिवहन पर छापामार कार्यवाही की, जिसमें तीनों डंपर में तय मात्रा से ज्यादा ओवरलोडिंग किया हुआ माल मिला है। साथ ही एक बिना रॉयल्टी का डंपर भी पाया गया। प्रशासन ने तीनों डंपर जब्त कर लिए हैं। सर्द रात में अवैध रूप से परिवहन करते 3 डंपर को पकड़ा। इसमें 16 घन मीटर रेत की रॉयल्टी थी, लेकिन माल 22 घन मीटर मिला है। तीनों डंपर में एक पास रॉयल्टी भी नहीं मिली। इसके बाद तीनों डंपर को जब्त कर नागझिरी थाने में खड़ा करवा दिया गया है। आगे की कार्यवाही के लिए माइनिंग विभाग को लिखा जा रहा है। यह पहली ऐसी कार्यवाही है जिसमें पुलिस और माइनिंग विभाग को शामिल नहीं किया गया। देवास रोड पर हुई प्रशासन की छापेमार कार्यवाही में अधिकारियों की 4 टीम बनाई गई थी। सुबह 4 बजे हुई कार्यवाही में तहसीलदार लोकेश चौहान एक टीम के साथ पालखंडा में, दूसरा पॉइंट नरवर में प्रियंका मिमरोट नायब तहसीलदार, तीसरा चंदेसरी और चौथा मानपुरा में कार्यवाही की गई। तीनों डंपर में करीब 2.25 लाख की बालू रेती थी, जिसे प्रशासन ने जब्त कर लिया है। माइनिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुक्रम में अवैध परिवहन और रेती के संबंध में टेलीफोनिक और अन्य माध्यमों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। उसके तारतम्य में कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार आज बड़ी टीम बना के कार्रवाई संपादित की गई है, जिसमें राजस्व की पूरी टीम, मैं खुद SDM, मेरे तहसीलदार, RI पटवारी, कोटवार और होमगार्ड के जवानों का एक दल बनाकर 4 चेकिंग प्वाइंट हमने देवास रोड पर नियत किए थे और उसके आधार पर अवैध परिवहन या ओवरलोडिंग के बारे में जांच की गई और 3 प्रकरण अभी तक बने हैं, जिनको तोलकांटे पर भेज के उनकी ओवरलोडिंग की जांच कराई जा रही है और थाने पर जब्ती की कार्रवाई करके माइनिंग डिपार्टमेंट को आगामी कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है।